नमस्कार। आज मैं न्यूज़ देख रहा था, इंदौर के अंदर काफ़ी सारे पेशेंट्स का नंबर बढ़ गया है। वहाँ के एक कवि हैं जो अपील कर रहे थे लोगों से, उन्हें देख करके एक पंक्ति हमारे भी दिमाग में आई कि जाहिल तो न थे हिंद में पर अब दिखने लगे हैं। एनीवे, लोग अपनी अपनी तरफ से अपील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से कोरोना पर जो जंग छिड़ी हुई है उसको हम जीत लें सब मिलजुल करके, और सब लोग अपनी अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं। आज हमारे जो भी हिंदू भाई हैं वो पूरी तरह से लॉकडाउन को फॉलो करते हुए, जो समझदार हिंदू भाई हैं, लॉकडाउन को फॉलो करते हुए, घर में डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को, कोरोना को परास्त करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। और कुछ लोग जो ना समझ हैं, ओवर इंथुजियाज्म में ताली और थाली बजाते हुए नुक्कड़ तक पहुंच जाते हैं एक प्रोसेशन लेकर के, उन सभी से गुजारिश है कि वो इस तरह की ना समझी, एटलीस्ट जो कल मोदी जी ने वापस आह्वान किया है 5 तारीख को, ऐसा ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने घर में ही लक्ष्मण रेखा के अंदर रह करके इस मुहिम में अपनी भागीदारी, एक कंसोलिडेशन को शो करें। और हमारे कई मुस्लिम मित्र, मुस्लिम लोग, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल वर्ग, समझदार वर्ग, जो इस बात को जानता है कि नबी जी ने आज से 1400 साल पहले ये मैसेज उनको दिया था कि अगर एक ऊंट भी बीमार है तो वो बाकी के ऊंटों के साथ में मिक्स ना हो, और अगर कहीं पर बवा आई है, मतलब महामारी है, बीमारी है, तो बाकी के लोग उस शहर से दूर रहें और जो उस बवा के अंदर हैं वो बाहर ना फैलें। तो इतना अच्छा मैसेज दिया था, वो समझदार मुस्लिम भाई उसका फॉलो कर रहे हैं, पर वहीं कुछ जाहिल लोग वो कहते हैं कि ये खुदा का कुफ्र है काफिरों के लिए। तो ऐसी भी सोच रखने वाले कुछ एक लोग हैं। मेरा आग्रह है इंटेलेक्चुअल वर्ग से कि वो इन लोगों को समझाएं और उनको बताएं कि कोरोना के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक से हैं, क्योंकि इन लोगों का सोचना ये है कि ये एक कुफ्र है काफिरों पर और ये उन्हीं को ख़त्म करेगा। पर आज जो हम हालात देख रहे हैं, एक किसी वर्ग की दिल्ली में ना समझी के कारण ये जो टोटल आंकड़ा है हमारे भारत देश का, उसका लगभग 30-40% का स्प्रेड वहीं एक जगह से होता हुआ दिख रहा है। तो मेरी सभी मेरे मुस्लिम भाइयों से जो इंटेलेक्चुअल हैं, खास तौर से इंटेलेक्चुअल, क्योंकि मैं देख रहा हूं जो इंटेलेक्चुअल अक्सर टीवी पर आया करते थे वो आजकल गायब हैं, उन इंटेलेक्चुअल लोगों से मेरा निवेदन है कि वो अपने वीडियोस बनाएं। कुछ एक मेरे मित्र भी हैं, मैं उनसे भी आग्रह किया कि आप अक्सर टीवी पर दिखते हैं, मुझे फ़ोन करके या मैसेजेज आते हैं कि मैं फला फला टाइम पर टीवी पर दिखूंगा। आजकल वो लोग भी मेरे को टीवी पर इस तरह के मैसेजेस देते हुए नहीं दिख रहे हैं कि भाइयों इससे हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, घर में रहना है, इसको पूरी तरह से सफल बनाना है। तरह तरह के लोग जाहिलाना वीडियोस डाल रहे हैं। तो मेरा सोचना है कि प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, इंटेलेक्चुअल वर्ग भी अपना काम करेगा और उनको रोकेगा। बाकी के जो जैन, सिख, पारसी, ईसाई समुदाय के लोग हैं, सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। डॉक्टर, नर्स, फार्मेसी या फिर जो ग्रोसर के दुकान वाले हैं, सब्जी वाले हैं, दूध वाले हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, ये हमारे जो एकदम जो हमारे सैनिक की तरह से आज काम कर रहे हैं, इनका हमको मॉरल बूस्ट करना चाहिए। और ये लोग पूरी तरह से लड़ाई के अंदर लगे हुए हैं इसको जिताने के लिए। और आप लोग भी घर में रह करके सोशल डिस्टेंसिंग से अपना कंट्रीब्यूशन इस लड़ाई के अंदर दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तारीफ के काबिल हैं। कई हमारे बिजनेस हाउसेस, साथ में गवर्नमेंट, कई टेंपल्स, मंदिर के जो सोसाइटीज़ हैं वो सभी अपना पैसे के रूप में अधिक से अधिक भागीदारी कर रही हैं,
राहत कोष के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बिजनेस हाउसेस एक के बाद एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो उनकी सॉलिडरिटी इस मुहिम को लेकर के दिखाई देती है। साथ में कई एनजीओस, इस्कॉन, गुरुद्वारा, मंदिर जहां पर खाना पीना बनाने की व्यवस्था है, कम्युनिटी किचन्स, ये लोग खाना बना करके उन गरीब मजदूरों को जिनके पास में घर नहीं है या जिनके पास भोजन नहीं है उनको भोजन करा करके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये काफ़ी अच्छा सहयोग कर रहे हैं। इससे भी हमारी सॉलिडरिटी इस कोरोना वायरस को जंग जीतने के लिए दिखाई पड़ रही है। साथ में मैं यही एक बात कहना चाहूंगा कि इस कोरोना की जंग के अंदर खाली चार मेन चीजें हैं जो हमें जीत दिलाएंगी। एक तो जो गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट सेंटर में या हमारे स्टेट में जो शिवसेना की गवर्नमेंट है, वो उनकी जो एक इच्छा शक्ति और जिस तरह से वो चीजों को, सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, सभी लोग उनकी बात को सुने, उस पर अमल करें, जिससे हम कोरोना पे विजय पाएंगे। दूसरा, जो हमारे कंट्री का टेम्परेचर है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमको विजय दिलाने के लिए। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ है आप लोगों की इम्यूनिटी। ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन, टेम्परेचर, आपकी खुद की इम्यूनिटी। और चौथी चीज़ मैं बोलूँगा हम लोगों की यूनिटी, कंसोलिडेशन। और इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि कल जो वापस से आवाहन किया गया है कि 5 तारीख को 9:09 के लिए घर की लाइटें बंद करके हम लोगों को टॉर्च, दीपक या फिर कैंडल जलानी है, इसको सभी लोग फॉलो करें, मैं भी करूँगा। और कई लोग इसको लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि पावर ग्रिड फेल हो जाएगा। अरे भाई, आप डे लाइट मोड में चले जाएंगे, सिंपल सी बात है, दिन में भी तो आपके घर की लाइटें बंद रहती हैं, तो पावर ग्रिड कैसा फेल होएगा? दिन में जब आपकी लाइटें बंद होती हैं, रात में बंद हो जाएंगी, फर्क क्या पड़ेगा पावर ग्रिड पे इतना भारी? जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा वो संभाला जा सकता है। वो जो बिजली से रिलेटेड अथॉरिटीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो हैंडल कर सकता है। दिन में या रात को सोने के बाद में भी तो आप लाइटें बंद करके ही सोते हैं, तो वो अगर मैनेजेबल है तो ये 9 मिनट का भी फेज मैनेजेबल है। फिर भी आपको ज्यादा चिंता है, आप आपके पंखे और एसीज को ऑन रखें और फिर 9 मिनट के लिए लाइट बंद कर दें। वैसे भी जितने भी हॉस्पिटल हैं, और हॉस्पिटल वाले तो वैसे ही बंद नहीं कर सकते भाई, वहां बंद करेंगे तो वेंटिलेटर बंद हो जाएंगे। तो हॉस्पिटल हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, प्रशासनिक सेवाएं हैं, वहां की लाइटें तो वैसे भी जलती रहेंगी, तो इतना भारी फर्क आने वाला नहीं है। इस सॉलिडरिटी के अंदर आप सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट सबसे अधिक जरूरी है, ये दर्शाएं, जिससे सभी को इस बात की फीलिंग आए कि वो अकेले नहीं हैं, पूरा देश साथ में, एक साथ में खड़ा है, प्रशासन के साथ भी और एक दूसरे के साथ भी। ये सॉलिडरिटी की बहुत जरूरत है इस समय, नहीं तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं यही सोच करके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब मैं ही अकेला कर रहा हूं, दुनिया किस स्थिति में चली जाएगी, तो ऐसा नहीं है। उनको भरोसा दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए हमारे इतने सारे वर्कर जो फोर फ्रंट पर लड़ रहे हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, फार्मेसी वाले हैं, ग्रोसर हैं, दूध वाले हैं, सब्जी वाले हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो अभी भी इन प्रशासनिक सेवाओं में लगे हुए हैं। मैंने कई जगह सुना IAS IPS ऑफिसर वो कोरोना ग्रस्त हो गए, डॉक्टर्स कोरोना ग्रस्त हो गए, तो उनको भी तो एक मॉरल बूस्ट की जरूरत है। ये कौन देगा? ये हम सब लोगों की सॉलिडरिटी, एकजुट होना ही देगा। तो आप सब लोग बाहर निकले, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए अपनी बालकनी में, अपने घर की दहली पे खड़े होकर के लाइट जलाएं, दीपक जलाएं, मोमबत्ती जलाएं या फिर मोबाइल की टॉर्च से लाइट दिखाएं और उन लोगों को नजरअंदाज कर दें। देखिए, एक ग्रुप इसमें ऐसा है, लेफ्टिस्ट हो या फिर उनको आप बोल सकते हैं जाहिल इंटेलेक्चुअल, एक जाहिल इंटेलेक्चुअल का भी ग्रुप है, वो हर चीज को अपोज करेंगे। उनके पास में ना पेपर होंगे दिखाने के लिए, ना उनके पास में कैंडल होगी, ना लाइट होगी, ना मोमबत्ती होगी, ना माचिस होगी,
तो उन लोगों को इग्नोर करें, दे आर इररेलेवेंट फॉर अस, उन लोगों को इररेलेवेंट करें, ठीक है। जब तक उनको इग्नोर नहीं करेंगे, इग्नोरेंस ही उन लोगों का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस कंसोलिडेशन के अंदर हम लोग सब साथ आएं और कल 9 तारीख को, कल 5 तारीख को, सॉरी 5 तारीख को 9 बजे, ध्यान रहे, हमको अपनी सॉलिडरिटी इस लड़ाई को लड़ने के लिए दिखानी है। थैंक यू।